इससे पहले जीआई जो रेनेगेड्स में जानते नहीं यहाँ आना मना है, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। ओपन फायर। कान बंद कर लो, बहुत शोर होने वाला है। नहीं, तुम्हें वहां जाने के ऑर्डर्स नहीं थे। जनरल, हमें फंसाया गया है। यह साबित हो जाने तक ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना कोई और। मिलिट्री और लोकल पुलिस हर जगह तैनात है और उन फौजियों को जोर शोर से तलाश कर रही है जिन्होंने कल रात स्प्रिंगफील्ड में एक कोबरा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जबरदस्ती घुसकर उसे बर्बाद कर दिया था। दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी हो जो इन फौजियों को पकड़ने में मदद कर सके तो तुरंत स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कीजिए। माइंड बेंडर रिपोर्ट, ध्यान से सुनो। तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का हर लिंक जो कोबरा से जुड़ा है उसे पूरी तरह खत्म कर दो। हाँ, कर दूंगा। शायद मेरा एक पंछी घोंसले से बाहर निकल गया है। तुम्हारा मतलब कोई बायो वाइपर धमाके से बच गया? हो सकता है। तुम्हें भी ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना? ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकला। इस बात को छुपाने के लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया और अब तुम कह रहे हो कि ये क्रीचर बच के निकल गया? हेलो, हो सकता है कि मैंने एक खतरनाक किलिंग मशीन बना दी हो, पर ये तो सिर्फ एक बीटा टेस्ट था। शायद तुम लोगों को मेरी तारीफ करनी चाहिए। शायद मुझे कमांडर को बता देना चाहिए कि तुम्हारी किलिंग मशीन खुलेआम घूम रही है अपने शेड्यूल से बहुत पहले। समझ गया, मैं उसे ढूंढता हूँ। G.I. Joe Renegades. तो हमारे शहीद हुए साथी प्राइवेट फर्स्ट क्लास वॉलेस विम्स के बारे में किसी को कुछ कहना है तो कहो। मैं ना तो विम्स को ठीक से जानता था और ना ही हम में से कोई। दरअसल मुझे उस पर चिढ़ आती थी क्योंकि वो सबको अपने नाम से नहीं निकनेम से बुलाता था। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। वॉलेस वीम्स ने अपनी जान देकर हमें बचाया, हम उसकी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे। हो गया, गुड। अब तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हम ये तो जानते हैं कि मार्स इंडस्ट्रीज हथियार बनाती है, अब हमें ये पता लगाना है कि कोबरा का इस इंडस्ट्री से क्या रिश्ता है। स्कारलेट, वीम्स की मौत हुई है। लेफ्टिनेंट ओहारा कहो, वीम्स की मौत पर रोना जब कोबरा का पर्दाफाश हो जाए और हम निर्दोष साबित हो जाएं। तो अब हथियार उठाओ और चलो। ये एक ऑर्डर है सोल्जर। किसे ऑर्डर दे रही हो स्कारलेट? अब यहाँ किसी का कोई रैंक नहीं है, हम सब एक ही रैंक के भगोड़े हैं और कुछ नहीं। भगोड़ों को भी एक लीडर चाहिए। तुम कितनी बार लड़ाई पर जा चुकी हो, कितने कॉम्बैट मिशन को लीड किया है तुमने? मुझसे ऑर्डर्स नहीं लेने हैं ना, ठीक है, पर हमें अपना ध्यान मिशन पर ही रखना है। कौन सा मिशन स्कारलेट? इस वक्त इम्पोर्टेंट है हमारे आदमी, उनका खाना पानी और तुम्हारे पैर का इलाज। देखो, मैं अपने बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने मेडिकल ट्रेनिंग ली है और मैं खाना बना सकता हूँ। वीम्स को रिपकॉर्ड नाम अच्छा लगा था, उसने मरने से पहले मुझसे यही कहा था। क्या तुम्हें भागा हुआ पंछी मिला? देखो, मिला तो नहीं, पर ये जानता हूँ कि उसकी उड़ान सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस में है। और ये अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि वो रेडियस स्प्रिंगफील्ड के आसपास है,
पंछी को पिंजरे में डालो फौरन। तो यहाँ हमें कौन से खतरे से सबको बचाना है बैरोनेस? ये पुराने रिसीवर्स अब भी दो चार सिग्नल्स आराम से पकड़ रहे हैं। कोई कोड में बात करता है तो मैं जान लेता हूँ। आपको मुबारक हो जनरल अबनाथी। पता है आपके गद्दार फौजी बायो टेररिस्ट भी हैं। लैब को तबाह करने के बाद उन्होंने पानी की सप्लाई में एक खतरनाक वायरस छोड़ दिया। अब हमें स्प्रिंगफील्ड को सील करना होगा। हमारे महकमे का बेस्ट ऑफिसर उनकी तलाश में निकल चुका है। उन्हें सजा तो मिल के रहेगी। इस बीच स्प्रिंगफील्ड को खाली करने के लिए मैं एक मिलिट्री यूनिट बुला लेता हूँ। मिलिट्री काफी नुकसान पहुँचा चुकी है जनरल, अब सब कोबरा ही हैंडल करेगी। ध्यान से सुनिए, ये इलाका एक खतरनाक वायरस का शिकार बनने वाला है, इसलिए इसे एक घंटे में सील कर दिया जाएगा। अपनी सेफ्टी के लिए ये जगह खाली कर दीजिए। इस इलाके के बाहर आप लोगों को एक कोबरा डी कंटामिनेशन यूनिट में पहुंचाया जाएगा। डर के मारे सब भाग जाएंगे। अब जाओ अपने बायो वाइपर को पकड़ो। मेरा बायो वाइपर एक खतरनाक बायो इंजीनियरिंग की बेमिसाल इजाद है। कोई पपी नहीं जो सिटी बचाने से आ जाएगा। हाँ, पर जब भूख लगेगी तो दौड़ा दौड़ा चला आएगा। ओह, तुम्हारे हाथ में कुछ कीड़े मकोड़े हैं क्या? वो आदमी ही क्या दोस्त जिसने मेरे हाथ का बना मशरूम स्टू नहीं खाया। नहीं, ये हार्मोनाइटिस है, बहुत जहरीले होते हैं। यकीन मानो मैंने जंगलों की बहुत खाक छानी है। आप इनकी स्वीट डिश बनाओगे क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये स्कारलेट के जख्म की दवाई है। थैंक्स, पर मुझे नहीं चाहिए टनल रैट। फिर से मुझे निकनेम से बुलाया? स्नेक आईज, हथियार नीचे करो। ये तो बायो वाइपर मटेरियल है ना? तुम्हें ये कहाँ से मिला? स्प्रिंगफील्ड के पास। hey! उस इलाके को खाली करके सील कर दिया गया है एक वायरस के डर से। ये उन्हीं मुजरिमों का काम है जिन्होंने हमारे फार्मास्यूटिकल प्लांट को तबाह किया। विश्वास रखिए, कोबरा अब सब इन्फेक्टेड लोगों की मदद करेगी। उस लैब में ऐसा कोई वायरस नहीं था। कोबरा स्प्रिंगफील्ड को सील करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब ये मत कहना कि जिन शैतानों को हमने भून डाला था वो अब भी जिंदा हैं। बेस कमांड को खबर देनी पड़ेगी। हमारी बात मानेगा कौन? अगर वो शैतान अब भी जिंदा है तो हम ही कहीं चूक गए। अब मैं और मासूमों को मरने नहीं दूंगा। और एक बात बता दूं स्कारलेट, मेरे पास एक भरोसे लायक कॉन्टैक्ट अब भी है। बेस कमांड। हे लेडी जे। ज्यू, कहाँ हो तुम? तुम्हारे बारे में जो न्यूज में सुना वो सब झूठ है ना? हाँ। मैं चाहता हूँ तुम स्प्रिंगफील्ड में एक कॉम्बैट यूनिट भेजो। मैं अभी कुछ नहीं समझा सकता पर। ऐसा मत करो, शुरू से समझाओ। ठीक है, पर तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। तो मैं फोन रखती हूँ। बाय मॉम। May I help you, sir? Help लेने ही आया हूँ सर्जन बारेट, लेफ्टिनेंट आशर फायरबॉर्न आर्मी इंटेलिजेंस। पर तुम फ्लिंट बुला सकती हो। तुम और मैं काफी वक्त साथ में गुजारने वाले हैं सर्जेंट। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्योंकि सर्जेंट हाउजर उर्फ ड्यूक ने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी, अब तुम उसका एहसान चुका सकती हो। मुझ पर किसी का कोई एहसान नहीं है। तुम ड्यूक को गोलियों से छलनी होता देख सकोगी? अगर नहीं तो उसे जिंदा पकड़ने में मेरी मदद करो। चलो चले। सर, शायद हमें स्प्रिंगफील्ड में कॉम्बैट यूनिट भेजनी चाहिए। प्लीज, ऐसी बेकार सलाह तुम अपने पास ही रखो सर्जेंट। ड्यूक पागल नहीं है जो उस जगह पर वापस जाएगा। तुमने मुझे वहाँ वापस जाने को मना ही लिया। तुम्हें मानना ही था क्योंकि कोबरा से प्रॉब्लम भी तुम्हें ही है। हाँ, लेकिन मैं इतनी पागल नहीं हूँ जो मौकाए वारदात पर दोबारा जाऊँ। कोई बताएगा हम इस निंजा को साथ क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि ये अपनी तलवार से किसी को भी काट सकता है। इस जगह को खाली करने के लिए ये आखिरी कॉल है। ये पूरा इलाका 10 मिनट में सील हो जाएगा। ये धोखा है। तुम उस वायरस की बात से डरना मत मिचेल। ये कोबरा वाले कोई बात कभी सच नहीं बोलते। क्या बात है बड़ी?
पक्का यहाँ कोई वायरस नहीं है डैड? वायरस तो नहीं है, लेकिन यहाँ कोई और चीज जरूर है। ट्रक स्टार्ट करो। इसने तुम्हारी लीचेस यूज कर ली, तो अब अंदर कैसे जाएं? उधर सामने देखो। अंदर तो आ गए, लेकिन अब बाहर कैसे निकलेंगे? उस फेंस के पीछे, मैं कह रहा हूँ जरूर कुछ है, कुछ है। हलुसिनेशंस, वायरस का पहला असर। सब वहम है, ये असल में है ही नहीं। तो क्या ये भी वहम है? ये क्या है तुम्हारी जल्द ही समझ में आ जाएगा। जल्दी ट्यूब लेकर आओ। अब एक अच्छे सोल्जर बनना। कहां जा रहे हो? मैंने ट्राई किया, अब तुम खुद ही इनसे निपट लेना। हे, तुम कोबरा लोगों ने कौन सा शैतान छोड़ दिया है हमारे फार्म पर? एक बात साफ साफ समझ लो, हम कोबरा के लोग बिल्कुल नहीं हैं। तो फिर कौन हो? हम बस मामूली से फौजी हैं सर, मेरी सलाह मानो तो। भागो यहां से। इस शैतान को मारने के लिए तलवार काफी नहीं है। सुनाओ सब लोग, जल्दी यहां से नीचे चले जाओ। माइंड बेंडर, वहां हो क्या रहा है? मैंने हमला करने को नहीं कहा था। ये वही फौजी है जिन्होंने मेरी लैब जलाई थी। ये जिंदा और खतरनाक है। अब नहीं रहेंगे। मिस्टर मकाले ने हमें क्या भेजा है? फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव। मार्स इंडस्ट्रीज बेहतरीन हथियार बनाती है। नहीं नहीं, वो मतलब हमें एक अच्छा मौका हाथ से जाने दे रहे हैं। मतलब वो हथियार बंद फौजी एक इलेक्ट्रॉनिक बैटलफील्ड में फंसे हैं और सामने एक बायो वाइपर खड़ा है। इससे अच्छा मनोरंजन और कहाँ मिलेगा? बेवकूफी के लिए टाइम नहीं है, लॉन्च की तैयारी करो। ये ठीक नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कमांडर का बहुत कुछ बायो वाइपर प्रोग्राम की सक्सेस पर टिका है। अब उनसे कैसे कहूंगा कि आप मेरी फील्ड टेस्ट को रोक रही हैं बैरनेस? रोक दो फिलहाल के लिए। स्प्रिंगफील्ड में लड़ाई होने की खबरें आ रही हैं। जनरल अबनाथी चाहते हैं हम चेक करें। लगता है ड्यूक ने आखिर पागलपन कर ही दिया। प्लान चेंज हो गया। कोई प्लान था क्या?
दोस्तों ठीक तो हो ना? बड़ी ए बच्चे रुको बच्चे नहीं बड़ी हम ज्यादा सबूत तो जमा नहीं कर पाए पर ये तो शुरुआत है। आपने मेरे बेटे को देखा? गोली मत चलाना। मिचेल! ओ ये फिर से जिंदा हो गया। गोलियों से कुछ नहीं होगा, इसकी कोई और कमजोरी ढूंढनी होगी। आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया क्या? इन जानवरों की कोई कमजोरी नहीं होती। जानवर नहीं, ये कुछ और है। ये तो प्लांट मटेरियल है। क्या मैंने कहा था ना, मैंने जंगलों की काफी खाक छानी है। देखा कैसे न्यूट्रिएंट्स चूस लिए। तो मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों नहीं किया? हो सकता है वो भूखा ना हो। वैसे अब हमें उसकी कमजोरी मिल गई, बस अब एक बोर्ड भर के वीड कलर चाहिए। लेकिन हमें वो मिलेगी कहाँ? हम एक फार्म पर हैं लेफ्टिनेंट। ओहारा पोजीशन में, ड्यूक पोजीशन में, रोड ब्लॉक पोजीशन में, टनल रैट पोजीशन में। आखिर मेरे मुंह से भी टनल रैट निकल गया। तो चलो। माइंडबेंडर, फौरन मुझे रिपोर्ट करो। नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ और इस वक्त मैं अपने काम में बिजी हूँ। सब पैक करो जल्दी। लेफ्टिनेंट फेबॉर्न, आर्मी इंटेलिजेंस। मुझे जनरल अबरनाथी ने भेजा है और मुझे इसी वक्त अंदर जाना है। आपके जनरल ने कहा था कि मिलिट्री यहाँ नहीं आएगी। यस मैम, पर आपको गैस मास्क नहीं पहने हुए देखकर मैं मान रहा हूँ कि वायरस का खतरा टल चुका है, तो अब आपको फेंसिंग हटा देनी चाहिए। रिपकॉर्ड के लिए। देखो, टाइम खत्म। फौरन उस फेंसिंग को हटाओ वरना मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। मामूली फौजी हो पर काम बड़े करते हो। जान बचाने का शुक्रिया। आपने भी तो हमें वीड किलर दिया, तो हिसाब बराबर हुआ। तुमने काफी बहादुरी दिखाई लेफ्टिनेंट। मुझे स्कारलेट बुलाओ। ड्यूक, प्लीज अपने हथियार फेंक दो और हाथों को ऊपर करो, बाकी के लोग पीछे हट जाएं। स्टेट चैंपियनशिप्स फाइनल मैच चल रहा था। बॉल तुम्हारे पास थी और गोल तुम्हारे सामने था। तुमने गोल मिस कर दिया था, तो मैंने क्या किया था ड्यूक? मुझे निकाल दिया था फ्लिंट। आप इसे जानते हैं? तो यहाँ भी हालात कुछ उस मैच जैसे ही लग रहे हैं। ये तुमने क्यों किया ड्यूक? प्लांट को उड़ाने के लिए तुम्हें पैसे मिले थे? ये एक लंबी कहानी है फ्लिंट। हाँ, तुम्हारी लंबी कहानी तो मैं जरूर सुनूंगा ड्यूक, पर तुम्हारे कोर्ट मार्शल पर। Thank you.
का पीछा करो। जाओ जाओ जाओ। मेरी गाड़ी कहाँ है? अगली बार गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही लगी हुई मत छोड़िएगा सर। तो अब कहाँ चले ड्यूक? कोई भी ऐसी जगह जहाँ फ्लिंट की पहुंच से हम दूर रहे और कोबरा के लिए खतरा बने रहे। बदकिस्मती से हम बायो वाइपर प्रोटोकॉल खो चुके हैं, लेकिन वायरस का डर अब भी है। गुड, तो वायरस वाले हादसे की वजह से कोबरा इंडस्ट्रीज पर जल्दी इंक्वायरी नहीं होने वाली। लेकिन वो फरार फौजी अब भी छोटी प्रॉब्लम बने हुए हैं। छोटी प्रॉब्लम और छोटी होकर एक दिन खत्म हो जाएगी, और छोटी प्रॉब्लम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि उन फौजियों को तुम संभालोगी, माय डियर बैरनेस। इनफैक्ट ये मेरा ऑर्डर है।